After the stupendous success of Sanjay Leela Bhansali's Padmavat, Shahid Kapoor, who essayed the role of Maharawal Ratan Singh, visited the Chandan Theatre in Juhu, Mumbai to promote the film and interact with the fans. Looking all dapper in a t-shirt, black ripped jeans and denim jacket, Shahid not only paused and posed for the shutterbugs, but also intermingled with the audience who came to watch the film. It's overwhelming. I think abhi bhi kai aise hisse hain desh ke, bade bade states hain jahan par theek se film nahi shuruaat le payi hai. और उसके बावजूद स्पेशली पहले एक दो दिन थे तब लोगों में बहुत डर था यू नो काफ़ी लोग थिएटर नहीं जा रहे थे इसलिए अगर आप देखें जो पहले दिन फिल्म ने जितनी कलेक्शंस की उसके हिसाब से जब दूसरे दिन फिल्म ने पिकअप किया तो इट वेंट अप टू 32 crores विच इज़ अमेजिंग इट्स अ ह्यूज नंबर और बस यही मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सब लोगों तक पहुँच पाए अब ऑडियंस ये फिल्म देख चुकी है और ऑडियंस का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है जनता का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है सब लोग बाहर आकर ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन फिल्म है और इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन हमारे राजपूत कम्युनिटी के लिए चित्तौड़ और मेवाड़ की डायनेस्टी के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन शायद मुश्किल है तो यू नो जेन्युइनली संजय सर ने महारानी पद्मावती और रावल रतन इनको ऑलमोस्ट भगवान की तरह मन में रखकर इस फिल्म को बनाया है और उनको एक श्रद्धांजलि दी है और हम सब इसमें भागीदार हैं तो मैं चाहता हूं कि लोग जाके पूरे हिंदुस्तान में ये फिल्म देख पाएँ और ऑलरेडी इतने कम स्टेट्स में रिलीज़ हुई है फिल्म फिर भी इतना ज़्यादा बिजनेस कर रही है दैट गोज़ टू शो कि फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिला है द फिल्म इज़ बीइंग लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस एंड क्रिटिक्स अलाइक It also reportedly did an all-time record in the US Canada on its opening day. When asked about Swara Bhaskar's weird vagina comment on Padmavat, Shahid said he found it odd. And let's hear him out on this. हाँ मुझे पता चला कि कुछ ऐसा स्वरा ने लेटर लिखा है मैंने ऑनेस्टली पढ़ा नहीं है बिकॉज आई थिंक काफ़ी लंबा भी है लेटर और फिलहाल हम लोग काफ़ी बिजी हैं बाकी चीज़ों में मुझे पता नहीं उनका क्या इशू है या क्या है उनका जो भी इशू है संजय सर से है बट ये वो वक्त नहीं है यू नो मतलब पद्मावत जो है वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस कर रही है को रिप्रेजेंट कर रही है और ये बड़ी मुश्किल लड़ाई रही है इस फिल्म को लोगों तक पहुंचा पाना और ऐसे वक्त पे आई थिंक पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है हमारे साथ है तो इट्स अ लिटिल ऑड कि कोई ऐसा अपने पर्सनल लेवल पे कुछ लिख रहा है बट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से व्हाट दे वांट बट आई हैव नॉट रेड दैट लेटर अकॉर्डिंग टू स्वराज लेटर पद्मावत ग्लोरीफाइज द इश्यूज ऑफ जौहर honor killings and the practice of sati and at the end of the film she just felt reduced to a vagina only now what are your comments on this do share with us